आप एक तरफ गरीबों को मुफ्त का गल्ला बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप डीजल महंगा करते जा रहे हैं। आप एक तरफ से 5 रुपये देते हैं और दूसरी तरफ से हमारी जेब से 20 रुपये ज़्यादा निकालते हैं। जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे। और सो गए आप जैसे मीडिया के प्रभारी, ते वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अगर सरकार ने बढ़िया काम किया होगा तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, अगर बढ़िया काम नहीं किया है तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। आए हमारा कॉलोनी 3-3 बार कटवा दिन गए, हमारा घर गिरा पड़ा है, मेरा गदेला मर रहे हैं। नमस्कार, मैं आरके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के विधानसभा 12 अंतर्गत ग्राम भीटा में, तो आज हम फिर निकले हैं चुनावी सर्वे की ओर और लेंगे लोगों के ओपिनियन पोल। तो बने रहिए हमारे साथ, आप खबरों में हम आपको मिलाते हैं जो ग्राम भीटा की जनता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में क्या प्रभाव होगा, इनकी क्या समस्या है और ये लोग इस बार क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या प्रतिक्रियाएँ हैं और क्या सोचते हैं ये लोग विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। तब तक हम मिलाते हैं यहाँ के जो हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बुद्धिराज पाल। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आपको पता हो कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी रिपीट करेगी या तो फिर किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि परिवर्तन होगा? ऐसा लगता नहीं है, ये पब्लिक रुझान है, पब्लिक क्या चाहती है ये 22 में पता चलेगा खुद। तो परिवर्तन के कुछ कारण बता सकते हैं आप संक्षेप में? हाँ, परिवर्तन के कई कारण हैं जी, बताएं। लोग जैसे धान ओन की खेती हो गई, धान नहीं बिक रहा है किसानों का, सफ़ेद धान नहीं जा रहा है, बता ले इतना परसेंट आना चाहिए, उतना परसेंट आना चाहिए, किसान कहाँ परेशान है। किसान कागज पैसा लगा के अपना ऑनलाइन करवाया, उसका धान नहीं बिक रहा है, तो परिवर्तन तो होना तय है ना, यही सब समस्याएँ हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब सबसे बड़ी समस्या किसान की? हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा है किसान की हमारे। तो किसानी मुद्दे को लेकर आप कहना चाहेंगे कि परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। अगली भी सरकार थी, सारे धान बिकते थे, हर चीज़ बिकते थे, इस बार नहीं बिक रहा है, लोग परेशान हैं, घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं, उसका कोई वजूल नहीं निकल रहा है, इसलिए परिवर्तन होगा यहाँ पे। तो अगर हम धान जो क्रय केंद्र है उसको छोड़कर किसी और मुद्दे की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पूछिए आप कोई भी मुद्दा पूछिए। कुछ और मुद्दा बताइए परिवर्तन के, कि मतलब एक दो मुद्दे ऐसे बताइए जिससे कि आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। जिससे एक तरह से एक मुद्दा ये है, महंगाई, हर चीज़ में महंगाई है, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, नमक है, तेल है, रिफाइंड है, ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो सस्ता हो, सारे चीज़ महंगे हैं। ये GST है, BST है, ये सब लग लुक के सब महंगा कर दिए हैं, लोग खरीद रहे हैं, अपने मजदूरी करें कि महंगाई देखें भाई, मजदूरी तो बढ़ी नहीं यहाँ पे, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। मैं बुद्धि राजपाल उत्तर प्रदेश परिवहन में संविदा पे ड्राइवर चालक हूँ, हमारे यहाँ कितना वेतन मिलता है हम ही जानते हैं, ये महंगाई के रीजन है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उसमें नई भर्ती ली जा रही है और जो पुराने लोग हो उनको नहीं रखा जा रहा है। जैसे हम लोग 5 साल 7 साल से कर रहे हैं काम, हम लोगों को नहीं रखा जा रहा है, उसको पूरा प्राइवेट कर दिए उन्होंने, टेंडर दे दिए, तो हम लोग संविदा पर तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, जहाज़ पूरा प्राइवेट कर दिए, रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिए, ये मुद्दा नहीं है चुनाव का? ये भी तो मुद्दा है। यानी कि इन सारे मुद्दों को लेकर जो है आपको लगता है कि इस बार यूपी में परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होना तय है। ये आप सुन रहे थे बुद्धि राम पाल जी को, और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार कुशवाहा। क्या लगता है इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या किसकी सरकार बनेगी? परिवर्तन तो लोग चाह रहे हैं लेकिन विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन में सिर्फ एक पार्टी है, अखिलेश यादव सामने हैं, लेकिन उनके अंदर एक जातिवाद बहुत बड़ा है। उनकी सरकार में उनको सिर्फ दिखाई देता है कि हमको मुसलमान और हमारे यादव भाई वोट देकर जिताए हैं, तीसरा कोई उनको दिखाई ही नहीं देता।
अरे तो अगर बात की जाए तो मान लीजिए परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि आपका कहना है कि परिवर्तन का विकल्प है और है भी नहीं, यानी कि अखिलेश यादव के अलावा भी तो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो उसके अलावा भी तो पार्टियां हैं, जैसे कि मान लीजिए भाजपा हो गई, तो समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, तीन सारी पार्टियों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बसपा का तो अस्तित्व खत्म है, बसपा तो अब नहीं आएगी, बस जहाँ भी है यही सपा और बीजेपी। बीजेपी में फिलहाल किसान परेशान हैं, जानवर को लेकर कोई किसान घर में नहीं सोता, जानवर छुट्टा छोड़ दिए हैं, जानवर कौन संभाले, किसान दिन भर खेत में काम करे, रात भर जानवर को ताके क्या करे, बताइए आप। किसकी सरकार में जानवर अन्ना पशु जो है छुट्टा हुए? और सरकारें थी लेकिन इतना जानवर नहीं थे छुट्टा जितना इनकी सरकार में है, कोई घर में नहीं सो पा। किनकी सरकार में? जितनी भी सरकारें आज तक बनी केवल बीजेपी की सरकार में जानवर इतने हैं, कोई किसान घर में रात में सोता नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कि अन्ना पशुओं का इतना बड़ा आतंक है कि हमारे फसलें आए दिन चौपट कर देते हैं, जिससे कि हम महंगाई से तो परेशान ही हैं, साथ में जो हम मेहनत और करके जो अन्न उपज करते हैं अपने खेतों में, तो वो भी कहीं कहीं ना कहीं बचती नज़र नहीं आ रही हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका अन्ना पशुओं का? हाँ, जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर बीजेपी जाती है तो जानवरों से ही जाएगी। हाँ, पक्का मुद्दा है ये। यानी इनके कहने का मतलब ये कि अगर यूपी में परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा किसानों का, अन्ना पशुओं का, कि कहीं ना कहीं अन्ना पशुओं से जो किसान हैं वो आहत हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, तो हर स्थान पे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अन्ना पशुओं पर अंकुश लगाया जाना सबसे बड़ी बात है, अगर परिवर्तन होता है, अगर बीजेपी हारती है चुनाव, तो सबसे बड़ा मुद्दा इनके कहने का मतलब होगा कि अन्ना पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े। भैया, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मिश्रा। क्या लगता है आपको कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में जो परिवर्तन होगा, या कौन सी पार्टी बाजे मारेगी, किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमको ये पार्टी लेविन से कोई मतलब नहीं है, जो इनकी यार व्यवस्था है लोगों के पास स्वयं नहीं पहुंच पा रही है, बीच भैया लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपने पशुओं की बात की, ग्राम सभा में बताया गया है कि नरेगा का सुरक्षा गार्ड उनका रखा जाए, व्यवस्था रखा जाए, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है। ये सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, जैसे कि हम बता दें आपको कि ये दिव्यांग हैं पैर से। तो अच्छा, जैसा कि मैं देख ही रहा हूँ कि आप पैर से दिव्यांग हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हमको ये नहीं है कि आप किसी को विकलांग मत बनाइए, उनके विषय की जानकारी की बात की जागरूकता करिए, उनको ऐसी ज्ञान की प्रदान करिए। योजना की तर्क पर आप भेजते हैं, वहाँ से बीच में बिजवैया लोग सब ख़त्म कर देते हैं। यानी कि दिव्यांगजनों के लिए कोई अच्छी सुव्यवस्था होती नहीं दिख रही? कोई व्यवस्था नहीं, सब बिचवैया लोग यहाँ पर अपने व्यवस्था बना लेते हैं, उनको सिर्फ जागरूकता नहीं बना पाते। देखिए, पैर से दिव्यांग है, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार बने हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम दिव्यांग तो वैसे हैं, वो हमें और दिव्यांग ना बनाएं, कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन चक्र है वो अच्छे से चले, उसके लिए जो है हमें अच्छी व्यवस्था की जाए, और या तो मतलब हमें जैसा कि हम पैर से दिव्यांग हैं तो हमारे लिए कोई धंधा रोजगार या व्यवसाय की जो है व्यवस्था की जाए, तो ये इनका कहना है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह जी, जी क्या लगता है आपको इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में परिवर्तन होगा या किसकी सरकार बनेगी? अब देखो, परिवर्तन तो जनता का रुझान है, और जनता का ज़्यादातर रुझान इसलिए हुआ है कि तमाम प्रकार के किसानों की असुविधा, रैली, जो अन्ना पशु हैं इनके सबसे तकवारी, इससे लोग जनता ज़्यादा पीड़ित हैं। अब पीड़ित के साथ साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा तो किसानों के सर पे भार आ गया कि जुताई 400 से 700 बीघा हो गई, प्रति बीघा 20 रुपया डीजल बढ़ा, 300 रुपया जुताई बढ़ गई। अरे 20 तिहाई 60 होता है, लेकिन जुताई 300 रुपया बीघा लोग ले रहे हैं, इससे पूरा महंगाई किसान झेल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है ये है कि इस बार परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन तो जनता चाह रही है, लेकिन अब देखो क्या होता है, वो तो ऊपर वाला जाने। आपको क्या लगता है? अब हमारे हिसाब से तो हम जहाँ तक बात करते हैं लोगों से, तो परिवर्तन नहीं की ओर जा रहा है, परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनने वाली, परिवर्तन होगा, बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कुछ और? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा।
ऐसा क्यों लगता है आपको परिवर्तन होगा? अब भाई लोग बताएं सर, आप भी बताइए, आप अपने मुखारबिंद से बताइए क्यों लगता है आपको परिवर्तन होगा? अब रात भर चौकीदारी करे पड़े और किसान की अनेक समस्या देखते हैं टीवी वीवी में हर चीज़ पर। तो फसल वसल तो वैसे भी किसान अपनी तकवारी करते हैं तो ये तो आम बात ना ही, और चार साल से जितना तक वही होत भी उतना कभी नहीं भीगा, 4.5 साल से। तो नहीं, आपके कहने का मतलब ये कि परिवर्तन होगा? हाँ परिवर्तन। और कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिससे आपको लगता है परिवर्तन होगा? उधर भाई के पास ले जाओ बस, और ये पूरा तेल बा, पेट्रोल बा, डीजल बा, ये सब है इसमें। क्या नाम है आपको? भाई लाल यादव। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या कुछ और? परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा पक्का? पक्का। क्यों? महंगाई है, देश की जो महंगाई बढ़ गई है इसके हिसाब से परिवर्तन होगा। महंगाई तो साधारण बात ही है, हर सरकार में जो है इतना नहीं बढ़ती थी, 70 पेट्रोल बहुत महंगाई हो गई है। परिवर्तन ज़रूरी भी है, परिवर्तन होने से डर लगा रहता है कि भाई हम सही काम नहीं करेंगे तो हमको भी हटा दिया जाएगा। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन होने से क्या है कि जो सरकार वर्तमान में रहती तो उसको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, वो इसलिए कि भाई अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें भी सत्ते से जनता बेदखल कर देगी। तो इस तरह इनको लगता है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया मैं सुनील द्विवेदी। क्या लगता है आपको कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या फिर कुछ और, किस पार्टी की सरकार बन पाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? जैसा हमारे बड़े भाई ने अभी कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं नज़र आते। एक आम आदमी की आप समस्या देखिए, वह दिन भर काम करता है, आवारा पशुओं को रात में ताकता है, वो इंसान है कि मशीन? आप बताइए, वो मशीन है, 24 घंटे जगेगा? आप एक तरफ गरीबों को मुफ्त का गल्ला बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आप डीजल महंगा करते जा रहे हैं। आप एक तरफ से 5 रुपये देते हैं और दूसरी तरफ से हमारी जेब से 20 रुपये ज़्यादा निकालते हैं। ये कैसी सरकार है? और आप एक किसान पूरी लागत लगाता है, 6 महीने मेहनत करता है, जब उसकी फसल तैयार होती है तो जा कर के लाइन लगाता, ऑनलाइन उसका बिकता नहीं, इसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। 1250 रुपये कुंटल में धान लेते हैं नगद में, उसके बाद उधार पे वो 1300 रुपये कुंटल लोग करते हैं। टाटा के धान की रेट 1972 रुपये ऐसा है, लेकिन बिचौलिए 1600 रुपये कुंटल में लेते हैं। मेहनत 6 महीने किसान करे, मजा बिचौलिया खाए। आप रोजगार का नाम देते, क्या रोजगार आप देते हैं? भाई ने कहा वो 7 साल से बस चालक है, आपने प्राइवेटीकरण कर दिया, 7 साल उसने मेहनत की, और जब आपने प्राइवेटीकरण कर दिया तो वो तो उद्योगपति ही खाएगा ना, यानी कि निजीकरण कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए भैया, हमारा मुद्दा यह नहीं है परिवर्तन हो ना हो, हमारा मुद्दा एक आम आदमी के परिवार से आप जुड़ कर देखिए। आप अगर दिन भर मेहनत करके आइए और रात में आपको कह दिया जाए कि खेत में जाके पशुओं को देखिए, तो आप कर पाएंगे? 24 घंटे आप जग पाएंगे? साल भर की मेहनत बेकार हो जा रही है। कहते हैं गौ हत्या मत करो, अरे भैया गौ हत्या हम नहीं करना चाहते। आप सरकार में हो, आपके पास ताकत, आप उसकी समस्या करो, उसका प्रबंधन करें। आप ग्राम प्रधान को देते, ग्राम प्रधान जो भी सुविधाएं सरकार देती है, ग्राम प्रधान पहले क्या करता है, जो अपने खास आदमी हैं वह पहले उनकी व्यवस्था, जमीनी धरातल पे आकर के कोई भी अधिकारी चेक नहीं करता कहाँ काम हो रहा है, सब काम कागज पर होता है, मीडिया पर होता है। और आप लोगों के लिए मैं एक लाइन बोलूँगा, बहुत पुराने आया है, इसको मैंने थोड़ा सा किया है कि जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे। और सो गए आप जैसे मीडिया के प्रभारी, तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसे किसान की फसल तैयार हो और उसी समय गेहूं की तैयारी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था अपने अधिकारियों को ऐसा कुछ सिस्टम बना दे कि किसान का अनाज उसी समय उसके खाते में पैसा आ जाए, ताकि वो गेहूं का धान बिके, उसका फ़ायदा मिल सके। कम से कम वह अपना किसानी में मैं करके देख लिया हूँ। आप मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना अच्छा है, हाँ, जब तक बेचने की व्यवस्था अच्छे से सरकार नहीं करेगी, विपणन की व्यवस्था अच्छे से नहीं करेगी, किसान यूँ ही गरीब से गरीब होता जाएगा,
और एक बात आपको और बता दूं, जिस दिन किसान किसानी ख़त्म कर देगा ना, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लोहे चाटते रह जाओगे, खाए बगैर मर जाओगे। किसानों को मजबूर मत करिए, किसानों का अनाज उचित रेट पे, जो भी अभी सरकारी रेट तय हुआ उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। आप उसका 6 महीने का मेहनत देखो यार, आप कितना वो मेहनत करता है, 6 महीने रात में पानी लगाता है, कटाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आप यानी कहीं ना कहीं कि MSP कानून लागू हुआ। यस यस, है ना। हाँ चलिए, ये आप सुनील द्विवेदी जी को सुन रहे थे। तो चाचा क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मिश्रा। जैसा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार उत्तर प्रदेश में BJP रिपीट करेगी या परिवर्तन होगा या किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? ये तो जनता के मूड की बात है, अगर सरकार ने बढ़िया काम किया होगा तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, अगर बढ़िया काम नहीं किया है तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो आप भी तो जनता में से ही एक हैं। हाँ तो हम जनता में ही हैं, हम तो भुक्तभोगी हैं भाई, हमारा कॉलोनी 3-3 बार कटवा दिन गए, हमारा घर गिरा पड़ा है, मेरा गदेला मर रहे हैं, यह बिचौलिया धन घूस खाए रहे हैं। पूरा गाँव सहित बताओ, पूरे गाँव की हाल ये है। कहाँ है गाँव का नाम? खटंगिया। खटंगिया, हाँ। तहसील क्या लगता है? बारा। बारा तहसील, विधानसभा? बारा। बारा तहसील भी? बारा। हाँ देखिए, ये तहसील बारा और विधानसभा बारा के अंतर्गत आने वाले, क्या नाम इनका? सुनील कुमार मिश्रा। सुनील कुमार मिश्रा जी हैं, इनका कहना ये है कि इनके गांव में इनके नाम से कॉलोनी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार आ चुकी, और बीच में जो बिचौलिया हैं तो उनके द्वारा इनकी कॉलोनी कटवा दी गई, अभी तक इनको जो है कॉलोनी नहीं दी गई। बात करें तो आवाज भाई साहब, लैट्रिन का पैसा खा लिए, देवे नहीं भाई 12,000 रुपया। कोई जांच करने वाला प्रधान कौन है? जांच, अरे प्रधान साहब भाई हैं हमारे पक्षे के हैं, अब बेचारे वो ठाकुर साहब अभी वर्तमान में हुए, वर्तमान में हुए अभी, पिछली अभी प्रधान कौन है? अब तो ठाकुर साहब हुए हैं, अभी अभी उसके पहले वो भारतीया था, अमरजीत भारतीया, ओका चले नहीं पावत रहे, ओका खुद दलाल गपोच लेत रहा, कुल मिला के वह प्रधानी करता रहा, उस नाम के प्रधान रहा, काम के प्रधान रहा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार को इन सारे मुद्दों पर एक कड़ा रवैया इख्तियार करना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, सही निर्णय होना चाहिए, अधिकारी वहाँ बैठ बैठ के सेक्रेटरी और आवास बाबू पैसा खाए रहे हैं। अब ग्राम प्रधान और वह ब्लॉक से संबंधित जो अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी या जो भी अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब उन पर अंकुश लगना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को अंकुश लगाने के लिए जो है सरकार को कड़े रवैये जो है इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन ये समस्या देखने को मिलती है। आज की कोई नई समस्या नहीं, ये हर गांव की समस्या है, और उसी में से ये भी एक जो है पीड़ित है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे गांव में जो है हमें कॉलोनी आई लेकिन 3-3 बार आई, नहीं दी गई, शौचालय का पैसा आया 12,000 रुपये, उसको भी गबन कर दिया गया, हमें नहीं दिया गया। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या कुछ और? अगर यही रवैया रहेगा तो परिवर्तन होगा, अगर सुधार नहीं करेंगे तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। अभी आपको गांव में हमारे चलिए दिखा दें ऐसे ऐसे लोग कि उनका घर गिर गया, दूसरे के घर में रह रहे हैं, उनको कॉलोनी नहीं मिल रही है, आपको दिखा दें जिसका पक्का मकान है उसको कॉलोनी मिल रही है, क्यों नहीं जांच हो रही है? सरकार कान में तेल नहीं बैठी है, खाली रोड पर के चमचों से घिर के आप वोट ले लेंगे, चमचों से तो वोट नहीं मिल जाएगा, वोट आपको पब्लिक के बीच में आइए, उनका दुख दर्द सुनिए, तब आप जानिए कि हाँ पब्लिक पीड़ित है, क्या हो रहा है इनके साथ, जो हम योजना दे रहे हैं इनको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जनता विधायक कौन है यहाँ से आपके विधानसभा से? अरे अजय भारतीया जी। उनसे शिकायत की गई कभी? मिलवा ही नहीं करते, कब हुए नहीं भेद, कैसे 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 शिकायत करी? जब से चुनाव जीते कभी आए ही नहीं, कभी कुछ नहीं। क्या समझ कर आप मतदान किए थे आप लोग? अब समझ कर अच्छा किया गया, समझ के अच्छा किया गया कि एक बार सपा से जीते तो नहीं आए, तो दोबारा BJP से टिकट लें तो कहना कि नहीं हम बिल्कुल सेवा करब, उदाही नहीं करें, अगर उन्हीं के टिकट दें जमानत जब्त हो जाए। संबंधित अधिकारियों से शिकायत की आपने इस बात की? अरे कहा नहीं, हम विकास भवन तक हो गया है भैया, वहाँ तक, फिर भी कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं,
हाँ हाँ हो जाएगा आपका, जाइए एप्लीकेशन दे दीजिए, जाइए हो गया। क्या नाम है आपका? रवि मिश्रा। कहाँ से हैं? खटंगिया से। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या नहीं? नहीं, सरकार तो बनेगी इस बार के लिए। 12 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है मुसीबतें हैं, लोग त्रस्त आ चुके हैं विधायक जी से, लेकिन जो है इस बार सरकार बननी है। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। कैमरामैन अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज 24।